नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में प्रमुख संगीतकार और वाद्य यंत्र वाले लिए हैं जो वो इतिहास में नाम दर्ज हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC या फिर स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए दे रखा बांसुरी वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक, ऑप्शन डी दे रखा सितार वादक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी वादक। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है, तो बांसुरी वादक से है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए देगा तबला, ऑप्शन बी सरोद वादक, ऑप्शन सी सितार वादक, ऑप्शन डी शहनाई वादक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध पूछा जाए तो याद रखिएगा तबला वादक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अहमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए दे रखा सरोद वादक, ऑप्शन बी बीना वादक, ऑप्शन सी वायलिन वादक, ऑप्शन डी संतूर वादक है। इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक। देखिए, जितने भी लगभग अली वाले अगर आपको दिखे, अली अहमद या अली से नाम से दिखा जाए, तो आप सरोद वादक के लगभग लगा सकते हैं आंसर, अगर नहीं आंसर पता है तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए दे रखा वीणा वादक, ऑप्शन बी दे रखा वायलिन, ऑप्शन सी दे रखा संतूरी वादक, ऑप्शन डी दे रखा तबला वादक है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक, हरिप्रसाद। देखिए, हरिप्रसाद से आप ऐसा आंसर याद रख सकते हैं कि हरिप्रसाद मतलब कृष्ण भगवान, जब हरि हरि कृष्ण भगवान के बोलते हैं तो एक तरह से बांसुरी बजा देते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक, ऑप्शन डी दे रखा है मृदंग वादक है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादक से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उस्ताद अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दे रखा ढोलक वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी शहनाई वादक, ऑप्शन डी सारंगी वादक है। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। उस्ताद अल्लाह रखा खान किस से संबंधित है? तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ढोलक वादक, ऑप्शन बी बांसुरी वादक, ऑप्शन सी शहनाई वादक, ऑप्शन डी तबला वादक है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई वादक। याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध है शहनाई वादक से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा बीना वादक, ऑप्शन बी संतूर वादक, ऑप्शन सी सितार वादक, ऑप्शन डी सरोद वादक है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए सितार वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक, ऑप्शन डी सारंगी वादक है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक। देखिए, मैंने आपको बताया था अली अकबर आ गया है, अली अहमद आया था, तो याद रखिए सरोद वादक से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पंडित रवि, देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए देखा वीणा वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सितार वादक, ऑप्शन डी संतूर वादक है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादक। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? पंडित शिव कुमार, याद है कि शिव कुमार का संबंध है संतूर वादक से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? विलायत खान पूछा जाए तो ऑप्शन ए दे रखा सितार वादक, ऑप्शन बी दे रखा बांसुरी वादक, ऑप्शन सी दे रखा वायलिन, ऑप्शन डी दे रखा ढोलक। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। याद रखिए, विलायत खान का संबंध किससे? सितार वादक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन ए दे रखा वायलिन, ऑप्शन बी सरोद वादक, ऑप्शन सी दे रखा है बिना वादक, ऑप्शन डी शहनाई वादक है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद वादक। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? सरोद वादक के अंतर से, सरोद वादक से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है अली अहमद हुसैन खान। देखिए अली अहमद हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन है संतूर वादक, ऑप्शन बी दे रखा वायलिन, ऑप्शन सी दे रखा सहनाई वादक, ऑप्शन डी दे रखा बिना वादक। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहनाई वादक। अली अहमद हुसैन खान का संबंध किससे है? सहनाई वादक यंत्र से, सहनाई वादक से है। और आप तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किससे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन दे रखा है पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए दे रखा तबला वादक, ऑप्शन बी दे रखा सारंगी वादक, ऑप्शन सी दे रखा बांसुरी वादक, ऑप्शन डी सितार वादक। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी वादक। पंडित रवि राम नारायण, देखिए राम नारायण से याद रखिएगा, राम नारायणी का संबंध किससे है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सारंगी वादक से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कौन सा मुगल शासक है बिना वादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन स्टार लगा लीजिए। बिना वादक के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? ऑप्शन ए दे रखा बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर बताइए इसका, देखिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक बिना वादक बजाता था? याद रखिएगा औरंगजेब था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है संगीत यंत्र सितार का जन्म किस महापुरुष के को माना जाता है? सितार का जन्म जनक याद रखिएगा, ऑप्शन ए दे रखा स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो अमीर खुसरो को माना जाता है, सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ऑप्शन ए दे रखा कल्याण कृष्णा भागवत, ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी दे रखा उमा शंकर मिश्र, ऑप्शन डी दे रखा टी एन कृष्णन। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा टी एन कृष्णन, याद रखिएगा टी एन कृष्णन राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन वादक है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है भारत के प्रसिद्ध बिना वादक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है एस बालचंद्र, ऑप्शन बी विलायत खान, ऑप्शन सी दे रखा है गोपाल दास, ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा। राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर हो जाएगा एस बालचंद्रन, याद रखिएगा बिना वादक कौन है? एस बालचंद्रन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा अल्लाह रखा तबला वादक है क्या? ऑप्शन बी दे रखा पंडित रविशंकर सितार वादक है, ऑप्शन सी दे रखा शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है क्या, ऑप्शन डी दे रखा है एम एस सुब्बलक्ष्मी बिना वादक है क्या? क्या है राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एस एम एस सुब्बलक्ष्मी, याद रखिए एम एस सुब्बलक्ष्मी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तीनों सही है, ये मेल खाते हैं, लेकिन लास्ट डी ऑप्शन मेल नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया जा चुका है? ऑप्शन ए दे रखा है पंडित रविशंकर को, ऑप्शन बी दे रखा है बिस्मिल्ला खान को, ऑप्शन सी दे रखा है शिव कुमार शर्मा को, ऑप्शन डी दे रखा है हरिप्रसाद चौरसिया को। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्ला खान को, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए तो किसको भारत रत्न तक से सम्मानित किया गया है, देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पूरी डिटेल लिखिएगा, चारों ऑप्शन का पूरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा, देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को बताना चाहूँगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहते हैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।